नमस्कार मित्रों, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग नूतन वर्ष 2021 में हम लोगों ने अपना पग रखा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी मित्रगण इस नए नूतन वर्ष में सुख समृद्धि और शांति उन्हें मिले। दोस्तों, हमने लोगों ने विगत वर्ष 2020 जो कि अधिकतर लोगों ने के मन में ये आया कि 2020 का जो साल रहा वो हम लोग के लिए कोरोना का महामारी से ग्रसित, लेकिन दोस्तों ये कोरोना वायरस COVID-19 जो कि चीन के वुहान शहर से चलकर आई और पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को जीने का तरीका बदलने पर मजबूर किया और साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया, जिसमें काफ़ी हद तक हम लोगों ने खासकर जो भारतवर्ष, भारत के जो लोग हैं, इन चीज़ों में उन्होंने सफलता हासिल भी की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ष जो नूतन वर्ष 2021 है उसमें और हमारा देश समृद्ध होगा। और इसी के साथ आज मैं आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को आज एक महत्वपूर्ण रोग जो कि अधिकतर लोगों में देखा जाता है और ये काफ़ी कठिन रोग माना जाता है और ख़ास करके ये लंबे समय तक रहता है और कभी कभी ये देखा जाता है कि इस रोग को लोग एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति कराकर हार जाते हैं और अंत में इसको दोस्तों होम्योपैथिक में बहुत ही इसका बेहतरीन इलाज है और उस रोग का नाम है लाइपोमा, जिसको आम भाषा में हम लोग गिल्टी भी कहते हैं या उसी को हम लोग लाइपोमा कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लाइपोमा क्या होता है। तो दोस्तों, लाइपोमा जो है होता क्या है कि जब आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म क्रिया जब सुचारू रूप से नहीं होने के कारण या फिर कॉन्जेनाइटल भी ये रोग होते हैं, अर्थात जिनके माता पिता या आपके पूर्वज में किसी को है तो उसमें भी लाइपोमा होते हुए देखा गया है, या फिर अगर आपको कभी पूर्व में अगर भयंकर चोट लगा हो तो चोट लगने की वजह से अगर किसी शरीर के किसी भी पार्ट में, किसी भी अंग में अगर चोट लगता है तो विगत कुछ समय के बाद वहाँ की जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो लॉस हो जाते हैं और जिसके कारण शरीर के जो पार्ट होते हैं उस पर एक गांठ निकल आते हैं। वो गांठ आपको कहीं भी हो सकता है, शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है, उसी को हम लोग चिकित्सा भाषा में लाइपोमा कहते हैं या उसी को हम लोग गिल्टी भी कहते हैं। तो दोस्तों,
इसमें होता है कि कभी कभी किसी किसी व्यक्ति में दर्द होता है, और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कुछ लोगों में उसमें दर्द नहीं भी होता है। तो दोस्तों, यह जो लाइपोमा होता है, इसको हम लोगों को समय रहते हुए ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता होती है। हालांकि थोड़ा सा इसमें वक्त लगता है, लेकिन होम्योपैथिक दवा द्वारा इसको, जो मेडिसिन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसकी मैं चर्चा करूँगा, वो है ट्यूमोरिन। वो ट्यूमोरिन जो कि ड्रॉप में आते हैं, और यह भार्गवा कंपनी की ये ड्रॉप आता है। इस ड्रॉप से आपकी जो लाइपोमा है वो नियमित रूप से कुछ दिनों तक अगर आप लेते हैं तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि यह मेडिसिन मैं खुद अपनी क्लिनिक में अपने पेशेंट को देता हूँ, और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये ट्यूमोरिन जो ड्रॉप है वह लाइपोमा के रोगी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, इसमें कई मेडिसिन मिला हुआ है, कई मेडिसिन को कंबाइन करके बनाया गया है, जिसमें सबसे पहला जो मेडिसिन है वह है कोनियम मैक। दोस्तों, कोनियम मैक जब आपके शरीर में कि किसी पार्ट में जो गिल्टी होता है और उसमें गाँठे पड़ जाते हैं, कठोर, वहाँ पर छूने के बाद जो है वह छिटकते हैं, और साथ ही साथ उसमें अगर दर्द होते हैं, तो उसमें कोनियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों, आर्सेनिक आयोडीनम। दोस्तों, आर्सेनिक आयोडीनम जो है यह भी गिल्टी के लिए अर्थात लाइपोमा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है और बहुत ही प्रसिद्ध दवा है। जो आर्सेनिक आयोड पुरानी से पुरानी आपको लाइपोमा को ठीक करने की इसमें क्षमता होती है। उसके बाद अगली मेडिसिन है क्लिमेटिक्स। दोस्तों, क्लिमेटिक्स जो है खास करके उनमें जिस स्टोन में काफ़ी दर्द होते हैं, टिस मारने जैसा दर्द होता है, तो उसके लिए आपको क्लिमेटिक्स का भी प्रयोग इसमें किया गया है। और अगली मेडिसिन है आपको हाइडेस्टिस ग्लाइकोमियम, ये सारे के सारे, और अंत में इसमें फाइटोलाका डाला गया है, जो फाइटोलाका आपको गिल्टी को गलाने में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो ये सारे के सारे मेडिसिन को एक कंबाइन करके यह ट्यूमोरिन ड्रॉप तैयार किया गया है, जो लाइपोमा के रोगी के लिए, गिल्टी के रोगी के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। अब दोस्तों, हम ये जानेंगे कि इस दवा को हमको लेना कैसे है। तो इस दवा को आपको, अगर बच्चे हैं, 5 से 10 साल के बीच के बच्चे अगर हैं, तो उनको 10 बूंद, इस दवा की 10 बूंद आधे कप सुसुम पानी में 3 बार लेना है। दोस्तों, लेने से पहले जो आपको सीसी इसके होंगे बोतल, उसको पहले हिला लेंगे, और उसके बाद 10 बूंद दवा आधे कप पानी में डालेंगे, और उसको 3 बार भर दिन में लेना है। और यदि एडल्ट है, वयस्क है, बड़े लोग हैं, तो उनके लिए 15 से 20 बूंद उसी तरह आधे कप पानी में 3 बार इस दवा को नियमित रूप से कम 2 से 3 महीने लेना है। इससे आपको संपूर्ण किसी भी प्रकार का अगर लाइपोमा होगा वो आपको खत्म हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।